भाई पिछली वीडियो का टारगेट हमारा 8.5 के सब्सक्राइबर था जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इस वीडियो का टारगेट हम थोड़ा इंक्रीज कर दे रहे हैं जो कि 9 के कर रहे हैं। जो भी बंदा चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे हमारा टारगेट थोड़ा जल्दी पूरा हो सके, और जैसे ही टारगेट कंप्लीट हो जाता है वैसे ही भाई तुमने लोग मेरे को कमेंट करके बता देना जिससे कि मैं नेक्स्ट पार्ट डाल पाऊँ। एपिसोड नंबर 47 की स्टार्टिंग में हम शान और टीचर टोंग को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं, और जो हमारा मैनेजर होता है वो टीचर टोंग से कहता है कि तुम अपनी फाइटिंग स्पिरिट जल्दी जल्दी कलेक्ट करो, और अगर तुम वो कलेक्ट नहीं कर पाते तो तुम्हारी जो बॉडी है वो फट जाएगी वरना आग निकल के तुम मर जाओगे। जिसे सुन के जो हमारे टीचर टोंग होते हैं वो बड़े ही हैरान हो जाते हैं और वो कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उतने में ही जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उसे लेवल 4 बॉडी प्रोटेक्शन मेडिकल देते हैं जिसके ऊपर वो कहते हैं कि तुम्हारी जो बॉडी है वो कोलैप्स नहीं करेगी। जिसके ऊपर शान होता है वो कहता है कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, और वो टीचर टोंग से कहता है कि आप अपनी फाइटिंग स्पिरिट है उसे जल्दी से एक्टिवेट करो। जिस पे हमारे टीचर टोंग कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी फाइटिंग स्पिरिट यूज़ कर ली है, मेरे पास नहीं है। जिसके ऊपर शान कहता है कि कौन बोल रहा है, आपकी क्यू हाई जा चुकी है। तो मैनेजर होता है वो शान को कह रहा होता है कि आप अब ऐसा करने से इन्हें रोको। जिसके ऊपर शान जो होता है वो मैनेजर को कहता है कि तुम चुप रहो, और शान टीचर टोंग से कहता है बस आप अपनी फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट करो अगर आप मेरे पे यकीन करते हो। जिसे सुन के जो हमारे टीचर टोंग होते हैं वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट ऑन करने लग जाते हैं, और हम देख पाते हैं कि वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट है उसे एक्टिव कर लेते हैं। जिसे देख के वो भी चौंक जाते हैं कि ये मैंने कैसे कर लिया, और वो सब देख के जो हमारा मैनेजर होता है वो भी कहने लग जाता है कि ये कैसे हो सकता है। और जो हमारे टीचर होते हैं वो कहते हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी क्यू वापस आ चुकी है। फिर उसके बाद शान होता है वो जितनी भी गोल्डन नीडल्स होती है वो उनके ऊपर एम करके उन्हें मारने लग जाता है, और उससे करने से क्या होता है जितनी भी उसकी मार्शल सोल जो टूटी हुई थी जितनी भी क्यू हाई वो वापस से जुड़ने लग जाती है, और जिसे हम देख सकते हैं कि वो पूरी जुड़ गई होती है। जिसे देख के हर कोई चौंक जाता है और कहते हैं कि क्यू हाई अभी तक टीचर टोंग की अभी तक टूटी नहीं है, और वो टूटने के बाद वापस से जुड़ भी कैसे सकती है वो भी उसी समय में। जिसे देख के जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं कि अब तो टीचर टोंग पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। जिसके ऊपर शान उन दोनों को कहता है अभी अपना मुंह बंद रखो। जिसे सुन के वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं और वो चुप हो जाते हैं। शान बताता है कि टीचर टोंग जो है वो कई सालों से डैमेज थे, उनकी क्यू हाई भी डैमेज थी, वो इंटीरियर भी डैमेज थे, और जो उनकी फाइटिंग स्पिरिट है वो भी डैमेज पूरी हो रखी थी। इससे क्या होता है कि उनकी प्रोग्रेस भी नहीं हो पा रही होती है, पर इस बार जब मैंने उन्हें हील किया तो उनकी एनर्जी वापस आ गई होती है उनकी बॉडी में। जिसके ऊपर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं क्यू हाई टूटने के बाद वापस से कैसे जुड़ सकती है ये बस तू मेरे को ये बता, और टूटने के बाद जुड़ तो गई पर ये वर्क कैसे किया मेरे को ये भी नहीं पता चला। जिसके ऊपर शान कहता है कि अब तुम दोनों इडियट बनने की कोशिश मत करो। जिसे सुन के वो दोनों फिर से चुप हो जाते हैं और शान को सॉरी बोल देते हैं। जिसके ऊपर शान जो होता है वो टीचर टोंग से कहता है कि आप किसका इंतजार कर रहे हो, आप अपने फाइटिंग स्पिरिट को बाहर निकालो और क्यू हाई अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो। जिसके ऊपर जो हमारे टीचर होते हैं वो अपनी क्यू हाई बाहर निकालने लग जाते हैं, और उनकी ताकत इतनी होती है कि जो अगल बगल की चीज होती है वो हवा में उड़ने लग जाती है। उसके बाद जो हमारे टीचर टोंग होते हैं वो बड़े ही खुश हो जाते हैं कि अब वो हील पूरी तरीके से हो चुके हैं। उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट और जो मैनेजर हैं वो भी कहते हैं कि ये तो पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। जिसके बाद जो शान होता है वो टीचर को कांग्रेस करता है कि वो 5 अर्थ लेवल के वॉरियर बन चुके हैं। बाद जो हमारे प्रेसिडेंट और मैनेजर होते हैं वो कहते हैं कि अब जो टीचर टोंग है वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं, वो ब्रेक थ्रू कर चुके हैं 4 लेवल के मैजिशियन से। और उसके बाद जो हमारे टीचर टोंग होते हैं वो शान को शुक्रिया करते हैं और शान को कहते हैं अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम मुझे बोलना, मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा उस चीज को करने में। उसके ऊपर शान टीचर टोंग को थैंक्स कहता है, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट को कहता है कि मैंने आपका रूम गंदा किया इसमें मुझे माफ कर देना। जिसके ऊपर प्रेसिडेंट उसे एक चीज में इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि तुम ब्लैकस्टोन सिटी के मैजिक गिल्ड के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट बनना चाहोगे, अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम्हें पसंद आए तो हाँ कर देना। जिसके ऊपर शान कहता है सो कॉल्ड प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट कहते हैं बस ये एक टाइटुलर नाम होता है, इससे कुछ इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये मास्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, अगर कोई भी हमारी मैजिक गिल्ड में आता है तो उसे नोबल की तरह स्टेटस मिलता है। और जिसके ऊपर वो इसका और भी बेनिफिट बताता है, जिसके ऊपर हमारे मैनेजर बताते हैं कि आपको 50% ऑफ मिलेगा अगर आप कोई भी मैजिक इंग्रेडिएंट लेते हो, और हम आपको एक अलग से कमरा देंगे रिफाइनिंग रूम जो सिर्फ आपके लिए ही उपलब्ध रहेगा हमेशा, और आप एक मैजिक विजार्ड की रिस्पेक्ट से आप ब्लैकस्टोन सिटी में घूम भी सकते हो। जिसे सुन के जो शान होता है वो कहता है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इसे मान लेता हूँ। जिसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो शान को एक टोकन दे देते हैं, और उस टोकन का नाम होता है लेवल 2 मिडल विजार्ड बैज,
और उसके बाद जो हमारा शान होता है वो उन्हें थैंक्स कहता है। तय कैब टीचर टोंग की जो क्यू हाई है वो हील भी हो चुकी है, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। जिसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें हाँ कह देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं शान और टीचर टोंग चले जाते हैं और वहीं पीछे हमारे मैनेजर और प्रेसिडेंट रहते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो मैनेजर से पूछते हैं कि तुम शान के बारे में क्या सोचते हो, क्या वो मेरे से भी अच्छा है। इसके ऊपर मैनेजर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, आप मैजिक गर्ल के प्रेसिडेंट और एक पावरफुल आदमी। इसके ऊपर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो मैनेजर गुस्सों के ऊपर एक चाटा मार देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अभी तक मैनेजर और तुम इसी वजह से मैनेजर ही रहोते हैं प्रेसिडेंट की। अगर मैं फ्यूचर में अगर गिल्ड में नहीं रहा और शान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो तुम उसे वो चीज़ ला के दोगे और तुम्हें हमेशा उसकी हेल्प करते रहना होगा। जैसे तुम मुझे देखते हो तुम्हें उसे वैसे ही देखते रहना होगा। फ्रेंड कहते हैं कि जैसे तुम मुझे रिस्पेक्ट कर देते हो वैसे ही तुम्हें उसे भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ये बात तुम्हें समझ में आई? जिसके ऊपर जो हमारा मैनेजर होता है वो हाँ करता है। प्रेसिडेंट होते हैं वो मैनेजर को कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैंने उसके साथ कोई बिग डील करी है? अगर तुम ये सोचते हो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें मास्टर शान की अगर कोई भी गाइडेंस मिलती है तो तुम उसे जरूर फॉलो करना, जिससे कि तुम लेवल 4 से सीधा लेवल 5 के विजार्ड बन जाओगे फ्यूचर में। पर जो मैनेजर होता है वो प्रेसिडेंट से कहता है क्या ये सच है? जिसके ऊपर हमारे प्रेसिडेंट कहते हैं कि फ्यूचर के अंदर शान की टक्कर का पूरी ब्लैकस्टोन सिटी में कोई भी नहीं होगा। कुछ साल पहले जब मैं रॉयल पैलेस में जब मैं एक चीफ मैजिशियन था किंगडम के अंदर और मैं वहाँ पे मास्टर लू डाल्फो थे, मैं उनको देख के सोचता था कि उनके जैसा और उनके जैसा अनप्रिक्टेबल कहीं पे भी नहीं होगा। पर जब से मैं उन्हें मास्टर शान के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तब मेरे को लग रहा है कि मास्टर शान उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। और वो फिर शान की तारीफ करने लग जाता है कि मास्टर शान की जो अंडरस्टैंडिंग है पोर्शन को लेके वो बहुत आगे की है। जिसे सुन के जो हमारा मैनेजर होता है कि मास्टर लू डाल्फो तो टॉप 1 के मैजिशियन है पूरे किंगडम के। एपिसोड नंबर 48 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शान को और उसकी एकेडमी के वहाँ के सीन को, जहाँ पे रात हुई होती है और शान कह रहा होता है कि 10 दिन बाद मेरा एग्जाम है और उसके बाद मैं किंग सिटी में दूसरी मैजिक एकेडमी में चला जाऊँगा। जिसके बाद शान अपना एक मैजिक पावर यूज करता है और कहता है कि जो डार्क ग्रुप है उसकी ब्रांच किंग सिटी में भी होगी। वहीं पे हम मुरोंग बिंगवा को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज कर रही होती है और हमें पता है उसकी पावर कौन सी है, उसकी पावर आइस वाली है। और वो कहती है कि अगर अभी शान नहीं होता तब मैं अपने जो वाउंड है उसे कभी हील नहीं कर पाती। और वहीं पे हम देख सकते हैं जो मुरोंग बिंगवा के विंग्स भी निकल आए होते हैं और वो शान को मन ही मन में थैंक्स कर रही होती है। और उसी समय जैन चान और उसके पापा आ गए होते हैं और जैन चान उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा होता है मुरोंग बिंगवा को कि वो सेकंड रैंक विजार्ड बन गई होती है। और उसके बाद हम उनकी बातों से ये जान पाते हैं कि जो मुरोंग बिंगवा है उसका अगले दिन जन्मदिन है। उसके बाद हम देख पाते हैं मुरोंग बिंगवा के चेहरे पे कितनी खुशी आ रही होती है अपने बर्थडे का नाम सुन के। और जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि किंग सिटी का फिलिन भी आ रहा है जो कि टकला फैमिली का एक मेन सदस्य भी है और उसे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और वो इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा है। जिसके ऊपर मुरोंग बिंगवा कह रही होती है उसकी काइंडनेस मेरे को नहीं चाहिए। मुरोंग बिंगवा फिर अपने डैड को कहती है कि वो एक इकलौता पर्सन है जिसे मैं लाइक नहीं करती हूँ। और वो अपने डैड को कहती है कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाना चाहती हूँ अपनी बर्थडे पार्टी पे। जिसके ऊपर उसके डैड कह रहे होते कि मेरे को तुम्हारे अंकल जैन शान ने बताया कि तुम शायद यूशान को बुलाओगी। जिसके ऊपर मुरोंग बिंगवा अपने डैड से प्लीज़ प्लीज़ करने लग जाती है। जिसके ऊपर जो उसके फादर होते हैं वो भी कहते हैं कि मैं भी शान को देखना चाहता हूँ, उसके बारे में मैंने कई सारी बातें भी सुनी है। वहीं पे हम कई सारे बच्चों को देखते हैं जो कि शान को देख के कह रहे होते हैं कि यही शान है क्या? शायद हमने सुना है कि जो इसकी क्लास 5 है वो किसी ट्रबल में आ गई थी वाइल्डनेस क्लास के अंदर। और हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग इसे एनिमल टैमर कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इसी की वजह से लिनुई को अकेडमी से भी निकाला गया है। जिसे सुन के शान को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और वहीं पर वो कह रहे होते हैं कि लिंग फेंग इसके पीछे पड़ा है। वहीं पर शान चान भी आ जाता है और वो कहता है कि लिंग फेंग तुम्हें ही ढूंढ रहा है क्योंकि तुम्हारी वजह से लिनुई को उसकी फैमिली से निकाल दिया गया है और लिन फेंग अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और वो तुम्हें शायद पीटेगा क्योंकि उसकी रेपुटेशन गिर रही होती है और लिन फैमिली की भी। इसके बाद हम सारे बच्चों को देखते हैं जो सामने खड़े होते हैं, फिर उनके टीचर, फिर डीन, फिर हमें वहीं पर पता चलता है कि उनका टेस्ट हो रहा होता है मैजिक लेवल टेस्ट। और उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, वो अपना टेस्ट को दे रहे होते हैं। वो जो गोला सा होता है उसके ऊपर हाथ रखने पे उनको बताया जाता है कि तुम कौन से मैजिशियन बन रहे हो। उसी समय जब शैननान का ऑप्शन आता है तो शैननान जब अपने मैजिक टेस्ट देता है तब वो सीधा अकेडमी से ग्रेजुएट हो चुका होता है।
और वो अपनी तारीफ कर रहा होता, उतने में ही जो हमारी क्लास लीडर है उसका नंबर आ जाता है, जिसके ऊपर जो हमारा शान होता है वो कहता है अब तुम अपनी बड़ाई बंद करो और हम क्लास लीडर का टेस्ट देखते हैं। जब वो मैजिक बॉल पे हाथ रखती है तब वो जो मैजिक बॉल है वो ग्लो करने लग जाती है, जिसके ऊपर हर कोई उसे देख के बहुत खुश हो रहा होता है। और वहीं पे जो हमारी क्लास लीडर है वो भी खुश हो रही होती है क्योंकि उसे फर्स्ट ऑर्डर जूनियर मैजिशियन बना दिया जाता है। और हर कोई कहता है कि जो हमारी क्लास लीडर है वो पहले से ही स्ट्रांग है, तो उसका ये होना पॉसिबल ही था। फिर हमें शान का मैजिक टेस्ट दिखाया जाता है जिसमें बच्चे कहते हैं कि शान बीच में ही क्यों छोड़ रहा है, जिसके ऊपर टीचर भी कहती हैं कि तुमने अपना टेस्ट जो है बीच में क्यों छोड़ दिया, उसे कंटिन्यू करो। जिसके ऊपर शान कहता है कि अभी भी आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत है, बल्कि मैं पहले से ग्रेजुएट हो चुका हूँ। फिर उसके बाद जो हमें उसी मिडिल टीचर को दिखाया जाता है जो डीन को एक फाइल ला के देते हैं। फिर डीन बताने लग जाते हैं कौन सा बच्चा एडवांस क्लास में गया है, कौन ग्रेजुएट हुआ है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। भाई पिछली वीडियो का टारगेट भाई किसी ने पूरा नहीं किया था, तो भाई इस वीडियो का टारगेट जरूर से पूरा कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।